नमस्कार फ्रेंड, देवनगरी उत्तराखंड की द्रोण नगरी से मैं आपकी हो संगीता। तो अब त्यौहार ही त्यौहार है, तो सबसे पहले आने वाला है भाई बहनों का बहुत ही प्यारा त्यौहार, समझ गए होंगे आप, यस, रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन के लिए चाहिए होती है राखियाँ, तो राखी ही मैं आज बनाने जा रही हूँ, राखी नहीं राखियाँ बनाने जा रही हूँ। तो मैं आज आपको तीन तरह की राखियाँ आप जो घर पे आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही इजी से, और मैंने भी जो घर पे मटेरियल पड़ा हुआ था इसमें से कोई भी मटेरियल बाहर से लिया हुआ नहीं है, मेरे पास जो भी कुछ बच जाता है तो मैं रख लेती हूँ, तो मैंने ये सब वेस्ट मटेरियल से बनाया है। तो आप देखिए मैं किस तरह से राखियाँ बना रही हूँ, तो आप लोग भी इस तरह से बना के और अपने भाई को आराम से प्यार से, और ये होता है नाल का धागा, ये बहुत ही पवित्र माना जाता है, पूजा पाठ में काम आता है। तो इस तरह से नाल के धागों से मैंने तीन राखियाँ बनाई है, तो आप देखिए मैंने किस तरह से बनाई है। तो ये राखी बन गई है और नाल के धागे में अब मोतियाँ पिरानी है, तो बहुत मोटा होता है थोड़ा नाल का धागा, तो ये मैंने सिंपल धागा जो होता है उसको लगा के इस तरह से मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह से बहुत आसानी से बारीक आप मोती भी इसमें चढ़ा सकते हैं। तो ये पीछे की साइड लगेगा, ये थोड़ा सा पेपर और ऊपर लगेगा जो हमने राखी बनाई है। तो इस तरह से हमारी हो गई राखी कंप्लीट। अब इसे साइड से हम गांठ बांध के सिक्योर कर लेंगे जो हमारे मोती लगे हुए हैं, इसको इस तरह से टाइट करके और साइड में हम लगा देंगे गींट, तो फिर इससे ये सिक्योर हो जाएगा, हिलेगा नहीं। तो इस तरह से हमारी एक राखी कंप्लीट। चलते हैं सेकंड राखी की ओर, जो हमने बिंदी से बनाई है। आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है ये वाली राखी। तो इस तरह से बिंदियाँ लगा लगा के इसको कंप्लीट करेंगे पूरा राउंड, और ये थर्ड राउंड भी इसको भी इसी तरह से एक के ऊपर एक करके इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। मेरे पास ये कुछ नग पड़े हुए थे, तो मैं वो लगा लूँगी इसके ऊपर, एक एक बिंदी के ऊपर एक एक नग इस तरह से। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। और थर्ड राखी बनाने से पहले लंच भी बना लेते हैं, क्योंकि बहुत तेज़ भूख भी लग रही है। तो ये बन गए हैं इधर चावल और दूसरी तरफ बन गई है राजमा। तो अब पहले इसको अभी छौंका वोंका लगा के पहले खा लेते हैं, फिर चलते हैं तीसरे DIY की ओर। यानी कि तीसरी राखी की ओर, तो ये मेरे पास था, इसमें कान्हा जी बने हुए हैं माखन की मटकी लिए हुए, तो ये बहुत ही सिंपल है, ये सब बना हुआ था। तो इस तरह से जो इनके होल है दोनों तरफ, उस तरफ धागे
डाल के, और अब मैं इसमें वही मोती डाल लूँगी और गींठ लगा दूँगी, उससे ये सिक्योर हो जाएगा एक ही जगह। और अब इसमें मोती डालने हैं, तो मोती डालना तो इजी नहीं है, तो आपको मैं आगे बताती हूँ मैंने क्या किया। तो सब काम होके अब आ गई है बारी मोती डालने की। तो देखिए इस तरह से फेविकॉल लगा लेंगे कॉर्नर पे। अगर थ्रेड नहीं, आपको लग रहा है कि थ्रेड नहीं जा पाएगा होल के अंदर, तो इस तरह से फेविकॉल लगा के इसको थोड़ी देर रहने देंगे, सूखने देंगे, तो ये नुकीला टाइप का हो जाएगा, आगे से सुई टाइप की बन जाएगी। तो इसमें आराम से आप मोती पिरो सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने इस तरह से पिरो दिए हैं मोती। तो आप देखिए कितने आराम से ये मोती इसमें जा रहे हैं। तो इस तरह से हम आसानी से मोती पिरो सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, मोती बाहर ना निकले, तो इसको गींठ बांध लेंगे कॉर्नर से, तो इससे ये सिक्योर हो जाएगी। तो इस तरह से कंप्लीट हो गई हमारी तीसरी राखी भी। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। तो अब आपको दिखाती हूँ मैं तीनों राखियाँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।